एवरीवन, आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, नंबर सिस्टम। इसमें जो मेन मेन कंसेप्ट है मैं आपको वो दूंगी और जो कोशिश करूंगी, जो इस पे बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चन आंसर आगे आएंगे, तो उस तरीके का मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, ये CBSE बोर्ड क्लास फोर्थ का सिलेबस है, NCERT पे बेस्ड। नंबर एंड न्यूमरल, जो हमारे ग्रुप ऑफ फिगर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फिगर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ नंबर्स को, जैसे लिखा है 6, 4, 8, 3, जिसमें कुछ नंबर्स आए, उसे हम कहते हैं न्यूमरल, उसे हम कहते हैं न्यूमरल उस नंबर का। अब क्लास फोर्थ में आपका इंट्रोडक्शन में आ जाता है 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। आपने अभी तक 4 डिजिट तक पढ़ा था क्लास थर्ड में। तो जैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या था, 1000, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा था 4 times 9। यानी नंबर 1 एक नंबर ज्यादा होगा अगर इससे, तो वो क्या बन जाता है, नेक्स्ट डिजिट का, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये 5 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और इसी को हम क्या पढ़ते हैं, 10,000। अभी तक आपने 1000 तक पढ़ा था स्मॉलेस्ट में, इस तरीके से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी हम क्या पढ़ेंगे, 5 डिजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट है। तो यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 1000 प्लेस तक, अभी हमें पढ़ना है 10,000 प्लेस तक, 1, 10, 100, 1000 और 10,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं हमारे, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मेन मेन चीजें हमें यही करनी है। इसके पहले अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। यानी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या हुआ था, 10,000, और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 100, 1000, 10,000। समझ में आया आपको, 99,999। इसी तरीके से जब इसमें 1 मोर कर देंगे तो हमारा 10 ऐड हो, और ऐड हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 लाख। इसी तरीके से 1 लाख क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा नेक्स्ट 6 डिजिट नंबर का। तो ये आपको आगे भी समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेन, हमें नंबर सिस्टम कैसे। लाख अभी तक आपने ये नहीं इंट्रोड्यूस करवाया था, अब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 1000 एंड 1s। इसको बस सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे हम, रफली मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा। वंस में क्या है, हमारे 3 डिजिट्स आते हैं, 3 सब कॉलम्स आप ऐसे बोल सकते हो। वंस इसमें क्या आएगा, 1s, 10s और 100, 100, 10s और 1s। 1000 में हमारे आएंगे दो टाइप के, 1000 और 10,000। और इसी तरीके से लाख में हमारे दो टाइप के आएंगे, 1 लाख और 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो ये देखिए इस तरीके का हो गया 10 लाख। यानी अब आपसे कोई कुछ बोलेगा और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये देखिए 10 lakhs, lakhs, 10,000, 1000, 100, 10s, 1s। यानी इस तरीके से ये इंडियन नंबर सिस्टम है हमारा सिंपल। अगर आपको कोई नंबर दिया है, ये देखिए, जैसे कोई नंबर आपको दिया है 1, 3, 6, 4, 5, 1, 3, 6, 4, 5, तो आप उसको पहले यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, वंस से 5, 4, 6, 3, 1, यानी 13,000। ये देखिए ये एक सेक्शन है पूरा, ये 1000 का एक सेक्शन है, इसलिए 13,600 45।
इसी तरीके से अगर हम कोई बड़ा डिजिट लेते हैं, जैसे देखिए अगर हमने कोई सेकंड डिजिट लिया है 1 7 42 1, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। ये देखिए 1000 में 2 ही सेक्शन होते हैं, फिर इधर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं 0 2 1 4 7 3 1। तो ये देखिए ये लैक्स में पहुंच गया है, तो 1374021। तो ये इस तरीके से होगा। तो चलिए बुक का कुछ सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। 13645, अभी हम इंडियन वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो देखिए इस साइड से हमेशा आपको पता है राइट साइड से लिखते हैं, तो राइट साइड से उसी कॉलम में हम बनाएंगे। आपको सिंपली एक टेबल बनानी है जिसमें पहले 3 सेक्शन आएंगे, सब सेक्शन हंड्रेड्स टेंस वंस के, देन आपके 2 सेक्शन आएंगे 1000 10000 के, फिर लाख 10 लाख के। तो इस साइड से लिखेंगे तो 5 लिखा, फिर देखिए 4 लिखा, 6 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, क्या हम पढ़ेंगे 13645। इसी तरीके से ये एग्जांपल देखते हैं 105674, 4 लिखा, 7 लिखा, देन 6 है, देन 5 है, देन 0, देन 1। तो अब हम क्या पढ़ेंगे 1, देखो लैक्स में हो गया ना, तो 105674। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3650009, तो देखिए 3650009 इधर से लिखेंगे 9000 इस तरीके से, तो ये कहाँ पहुंचा 10 लैक्स में, 36,50,009। अब ये देखिए कॉमा कैसे लगता है, ये जो एक वंस का वंस टेंस हंड्रेड का है ये एक सेक्शन होता है मैंने आपको बताया, तो 3 डिजिट्स के बाद ही हमेशा कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट्स का 1000 होता है तो 2 डिजिट्स के बाद लगेगा, देन लैक्स भी 2 डिजिट का होता है इसलिए 2 डिजिट का लगेगा। ऊपर देखिए लैक्स नहीं थे तो वंस टेंस हंड्रेड के बाद कॉमा लगा है, फिर 1000 10000 लैक्स हमारा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक है, 10 लैक्स नहीं है 1 लाख है, इसलिए वंस टेंस हंड्रेड के बाद कॉमा लगा है, देन 1000 10000 देन लैक। आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो आप आगे मैं से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट में। तो अगर हम इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट की बात करेंगे अगर, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, वंस थाउजेंड उसके बाद लाख वाला कॉलम नहीं होता है, मिलियंस वाला कॉलम आ जाता है, मिलियंस वाला हो जाता है। तो देखिए वंस टेंस हंड्रेड सेम रहेगा जैसे इंडियन उसमें था, इंडियन वैल्यू चार्ट में, लेकिन वहां पे 2 सेक्शन सिर्फ थे 1000 और 10000 के, इसमें क्या हो जाएंगे 3 सेक्शन 1000 10000 100000। ये इम्पोर्टेंट है, आप ये देखिए 100 के बाद कॉमा लगेगा 1000 100000, और 100000 के बाद आएगा मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। वंस टेंस हंड्रेड सेम रहेगा नेशनल चार्ट की जैसे, लेकिन जो 1000 वाला है उसमें था इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 10000, इसमें क्या होगा 1000 TTH 10000 100000 then million 10 million और 100 million। देखिए मिलियन में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हैं। अगर हम इसको इंडियन वैल्यू से पढ़ते तो क्या पढ़ते, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10000 लाख और 10 लाख, लाख हमारा यही हो जाता, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10000 लाख। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो चलिए हम इंटरनेशनल वैल्यू से कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे कोई नंबर है हमारा 634782, तो इसको हमें इंटरनेशनल नंबर में दिखाना है, तो हम ऑब्वियसली इसमें भी राइट साइड से लिखेंगे, तो 287436। तो देखिए 3 कॉलम्स का एक रहेगा, देन इसमें 1000 10000 100000 का एक रहेगा सेक्शन सब सेक्शन, देन फिर मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन का एक सेक्शन रहेगा, तो यानी क्या हो जाएगा 634782। 3 सेक्शंस का एक सब सेक्शन है इसलिए यहाँ पे लगा है कॉमा,
और ये इंटरनेशनल है, इसमें भी 1000 के 3 सेक्शन आते हैं सब सेक्शन, इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है। इसके आगे कोई वैल्यू होती तो लगता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 136247, ये देखिए 1,362,475, तो देखिए 475 के पहले लगा है कॉमा, देन 362 एक सेक्शन है इसलिए कॉमा लगा है, देन 1 लगा है। तो होपफुली मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।